क्या हाल चाल है? फिर से आ गया आपके लिए। याद आ रही थी बहुत मुझे आपकी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वापस से एक एंट्री मारूं और आपके लिए कुछ नया वाला वीडियो लाऊं। जा रहा हूं मैं पास में ही बाल कटाने, सीधे चलते हैं वहां पे, आपको बताऊंगा यहां पे किस तरह की हेयर कट होती है, कितना प्राइस वगैरह होता है। लेकिन वो करने से पहले पहले अपन जाएंगे जिम, जल्दी से वाला जिम वाला सेशन करेंगे और फिर सीधे जाएंगे बाल कटवाने। चलो चलते हैं सीधे। ये छोटी वाली गाड़ी ले जा रहा हूं क्योंकि बड़ी वाली गाड़ी हो रही है चार्ज, क्योंकि धूप अच्छी आई हुई है आज, होने दो चार्ज और अपन ले चलते हैं गुट्टी को। अभी जस्ट मैंने काम फिनिश करके घर पे आया था और मैंने बालों की हालत देखी, मैंने बोला ये सब नहीं चलेगा यार। मिरर में अपने आप को देखा, मेरे बालों को देख के मुझे चंद्रकांता के क्रूर सिंह की याद आ गई। पता आपको कौन है? कोई नहीं, पहले एक शो होता था चंद्रकांता टीवी पे आता था, इतना बुढ़ा हो गया हूँ मैं देख लो। एनीवे तो हाँ, बस मैंने सोचा फटाक से जाके यहाँ पे बाल कटवाता हूँ, पास में दुकान है और आपको बताता हूँ कितनी कीमत होती है यहाँ पे बाल वाल कटवाने की, पैसे कितना लगते हैं और साथ ही में कौन कौन सी हेयर स्टाइल करा सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अभी मेरा जिम सेशन बचा हुआ है तो बस पहले जाता हूँ, फटाक से जिम सेशन करता हूँ। इतना बताऊंगा नहीं आपको, प्रॉमिस 5 मिनट में जिम कर लूंगा मैं आपके लिए। हाँ, तो आज मैं इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों बाल कटवाने के लिए क्योंकि आज वहाँ पे होगी भीड़ कम। साला सैटरडे संडे को जाओ वहाँ पे लाइन लगी रहती, कई बार तो आधा आधा घंटा 45 मिनट वेट करना पड़ता है। हमारे पास में बस एक ही शॉप है बाल कटवाने के लिए, वहाँ पे काफी सारे लोग आए थे वीकेंड पे, तो मैंने बोला आज जल्दी काम फिनिश करके मैं घर आ गया था, बोला चलो यार यहाँ पे अभी बाल कटवा लेते, अपने को क्यू में वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलो भाई हो, बस पहुंच जा रहे हैं जिम अपन, पीछे ही अपना क्लब जिम जो है स्टेट का, वहाँ करते थोड़ी सी एक्सरसाइज, उसके बाद लेके चलते हैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस दिखाने बाल काटने का। चलो चलो। हाँ तो भाई, हेयर कट का ऐसा सीन होता है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। एक टाइम होता था जब मैं पहले यहाँ स्टूडेंट आया था, $10 में हेयर कट हो जाती थी यार। अगर आप अभी भी किसी किसी जगह पे आपको $10 में हो जाएगी, लेकिन वो फटफट वाले काटते हैं, लेकिन किसी प्रॉपर शॉप पे जाओगे आपको तो आप $30 से $40 अच्छे बाल काटने के लिए लेते हैं। अब आपको पता ही होगा आजकल ये फेड वाली स्टाइल चलती है, फेड वाली स्टाइल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं, इस तरह से चार्ज लगते हैं। आपको बार बार शॉप पे जाके वहीं से पूरा मेन्यू बताता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये पहुंच गए जिम अपन, पानी की बोतल लाना भूल गया। चलो कोई नहीं, आज ऐसे ही कर लेंगे एक्सरसाइज। पहुंच गया भाई जिम के अंदर, ये रहा भाई मेरा जिम, आपको पहले दिखाई चुका हूँ एक बार, लेकिन जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ा बहुत जिम और फिर चलते हेयर कट कराने। हो गई एक्सरसाइज खत्म, हर तरह की कंपाउंड एक्सरसाइज कर लिए, सारी मसल हो गए। तो चलते हैं यहाँ से। थक गया भाई, बोतल लाना भूल गया था यार, प्यास लग रही है, फाउंटेन से पी लेता हूँ। जिम में बना रखा है इन्होंने, ये थोड़ा पानी पी लेते भाई। हाफ गए, एक्चुअली मौसम अच्छा हो गया, स्विमिंग भी कर लेना चाहिए, आज नहीं फिर कभी। भाई हालत हो गई है टाइट, चलो निकलते हैं यहाँ से। अपना जिम और वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है दोनों लिटरली 2-2 मिनट की ड्राइव है घर से, वो आप करके भी आ सकते हैं। वो सामने जो दिख रहा है वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ओके भाई, डेस्टिनेशन पे चलो चलते हैं भाई। ये है अपने यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पास वाला, कोल्स भी है, जिम भी है यहाँ पे भी। यहाँ पे एक वेजी मार्केट भी है, अपने इंडियन वेजिटेबल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। ग्रॉसरी वाला मैंने एक वीडियो बना रखा पहले ही, वो देख लेना, आइडिया लग जाएगा। अपना इंडियन स्टोर पास में, कुछ भी इंडियन सामान लेना हो तो, और ये अपना कोल्स, बाकी जो भी ग्रॉसरी लेना हो की तो, और ये रहा अपना सलून। वेटिंग है भाई अभी भी यहाँ पे, तक वेट कर रहे हैं अपन, तो प्राइस बता देता हूँ मैं तुमको। ये देख लो प्राइस, वन स्पॉट सलून का एकदम सिंपल वाली जो बस कट होती है, मतलब कटोरा कट, $15। नॉर्मल हेयर कट 25, 0.5 वाले करवाओगे आप तो 28, 0 फेड 30, अपने को करवाना 0 फेड। बाकी देखो स्किन फेड वगैरह यहाँ पे देखो, ये करते हैं बियर्ड लाइन, बियर्ड शेव भी कर देते हैं इंडिया की तरह, तो ये आपको इंडिया वाली भी पूरी सर्विस मिल जाती है यहाँ पे। ये है कोई मिडिल ईस्टर्न का है, आई थिंक लेबनीज वगैरह है, बाकी अच्छे बाल काटते हैं यहाँ पे पास के पास में। अभी है भीड़ यहाँ पे, 4-5 लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन 3-4 लोग काम भी कर रहे हैं तो जल्दी नंबर लग जाएगा। चलो करवाते हेयर कट, फिर बताता हूँ आपको क्या होता है। हेयर कट करवाने से पहले मेरे अभी देख लो बाल, आओ कैसे हो रहे हैं चारों तरफ से, बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े। वो हेयर कट करके स्टाइल भी कर देगा, फिर दिखाता हूँ आप, ठीक है, कैसी होती है फाइनल। 3-4 लोग कर रहे हैं बाल। हाँ भाई, तो फाइनली हो गई हेयर कट, ये देखो अभी जस्ट करवाइए, $30 लगे, 0 फेड वाली हेयर कट करवाइए उससे, होपफुली आपको पसंद आई होगी। हाँ तो भाइयों, इस तरह से होती है यहाँ पे हेयर कट, $30 लगे अपनी और हेयर कट हो गई। काफी टाइम लगाया बंदे ने, मेरे को वेट भी काफी करना पड़ा था, करीब मैं 15-20 मिनट वेट किया, उसके बाद में उसने हेयर कट करने में मेरे को कम से कम 20-30 मिनट लगाया, तो मतलब पूरा टाइम दे के हेयर कट करी उसने, बट फाइनली टाइम तो लगा लेकिन बहुत ही अच्छी हेयर कट करी उसने। चलते हैं घर भाई, गाड़ी के पास आ गए।
हाँ तो दोस्तों टोटल अपने लगे $30 $30 यानी इंडिया के हो गए अपने अभी के रेट के हिसाब से ₹1700 ₹1700 में हेयर कट करवाइए भाई यहाँ पे, ठीक है। यही चीज वैसे देखा जाए इंडिया में करवाओगे आप तो आपको ₹1700 में तो किसी नॉर्मल शॉप पे तो आपको हेयर कट के साथ में हेड मसाज फेशियल वेशियल सब हो जाएगा भाई, सभी जगह के बाल काट देंगे तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। और इस तरह से हमारे यहाँ पे बाल कटते भाई, एक जमाना था जब $10 में बाल कट जाते थे, अभी किसी नॉर्मल शॉप पे भी जाओगे आप एवरेज शॉप पे तो $20 के करीब आपसे लेते हैं, बट अगर आप किसी अच्छी थोड़ी सी अच्छी शॉप पे जाओगे जो टाइम लगा के काटते हैं तो करीब $30 यहाँ पे नॉर्मली ये चार्ज जो लगता है। इंडिया के अपने हो जाते लगभग ₹1700 के आसपास। चलो अभी चलते हैं अपन घर, बस पहुंचने वाले हैं। तो भाई पहुंच गया वापस अपने घर, रिवर्स लगाना पड़ेगी ताकि निकालने में हो आसानी। पहुंच गया भाई। हाँ तो भाई ये हो गई है फाइनली हेयर कट और वापस पहुंच गए अपने घर पे। होपफुली आपको हेयर स्टाइल भी पसंद आई होगी और होपफुली आपको सारा एक्सपीरियंस भी पसंद आया होगा किस तरह से यहाँ पे हेयर कट होती है। और अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रही है, इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज कर लो सब्सक्राइब और मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं बोलता हूँ बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।